नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष लाइव फोन इन इंट्रक्शन सेशन में, जिसे आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 में। और इस समय चूंकि आज हमारा जो सेशन है वो है क्लास 9th का, तो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं चैनल नंबर 9 पर, और बाद में आप इसकी स्ट्रीमिंग हमारे NCERT यूट्यूब ऑफिशियल पर भी देख सकते हैं। आपके साथ मैं याशु गांधी, और आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय है, वो है मैथमेटिक्स क्लास 9th, और जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक पार्ट 2। और इसे आपको डिटेल में समझाने के लिए जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट विषय विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, आइए आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं कैंपन स्कूल भोपाल से सीनियर PGT मैथमेटिक्स मिस बीना प्रकाश। मैम, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू इन दिस सेशन। तो बीना मैम से हम इस टॉपिक पर डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें वो आपके लिए, कि आप सभी के पास हमारे फ़ोन नंबर नोट होंगे, और अगर नहीं है तो आप उसको नोट कर लें, सेव कर लें, लगातार स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप कर सकते हैं इन नंबर्स के माध्यम से हमसे संपर्क, और टॉपिक से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं, वो आपको आपके जो क्वेरीज हैं उसका समाधान बताएंगी। इसके अलावा हमारे इस कार्यक्रम या हमारे किसी भी और कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी आपको बात कहनी है, फीडबैक देना है, तो आप वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे ईमेल के माध्यम से, और वो भी लगातार स्क्रीन पर नीचे दिखाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और चूंकि क्लास 9th है और सब्जेक्ट मैथ्स है, तो जाहिर सी बात है आपके पास अपने टैब, अपने पेन और पेपर रेडी होंगे। तो क्लास 9th के बच्चे रेडी हैं। मैम, ओवर टू यू। स्टैटिस्टिक पार्ट 1 हमने पढ़ा, और आज पार्ट 2 में स्पेसिफिकली हमारे जो फोकस पॉइंट हैं वो क्या क्या होने वाले हैं मैम? जी, तरीके के होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। तो उसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हमने देखा था पिक्टोरियल फॉर्म, एज यू कैन सी, पिक्टोरियल फॉर्म, टैबुलर फॉर्म एंड ग्राफिकल फॉर्म। तो पिक्टोरियल फॉर्म हमने लोअर क्लास में भी किया था, लास्ट क्लास में भी किया है, दैट इज पाई चार्ट। एक सर्कल में सारा इंफॉर्मेशन डाल दिया थ्रू द सेंट्रल एंगल, उसका सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करने का हमने तरीका भी बताया है, दैट इज डिवाइडिंग ऑल द डेटा, दैट इज वी हैव द टोटल ऑफ इट, एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू 360, that is 360 is divided into that many parts of each of it, and accordingly central angle is found, hum usko central angle se connect karke ek ek region banate hain. to ye pictorial representation se hame kafi information, that is data representation matlab hame kya analyze karna hai, kya baat discuss karna hai, kisi kis cheez ke bare mein discuss karna hai, ye picture dekh ke hame clear picture mil jata hai answer karne ke liye. koi query based on this language, that is a language based question hai, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वी कैन इजीली सी द ग्राफ डायग्राम एंड देन आंसर इट, है ना? सो दिस इज वन वे। तो अब दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने लास्ट क्लास में बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किया था। बार ग्राफ में क्या था कि इट इज एक्चुअली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, देखिए ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑफ सर्टेन आइटम्स इन विच बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ वर ड्रॉन, बार्स मींस रेक्टेंगुलर बार्स, जहाँ x axis and y axis में we had, that is number was based on the y axis, we took the data on the y axis, and x axis में we represented that quantities, varying quantities, variable items. देखिए वाला एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, they were different political parties, and the seats won after the election were given by, we collected the data. तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, ईच रेक्टेंगुलर बार इसके इक्वल विड्थ है, इक्वल विड्थ है, एंड दे आर इक्वली स्पेस, ये स्पेस जो है दोनों के बीच का, दे आर ऑल सेम। तो एंड देन लेंथ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स दिस नंबर, यू कैन रीड फ्रॉम द ग्राफ, ये द ग्राफ वाई एक्सिस से दिख रहा होगा आपको, रीजन वाई एक्सिस में दिख रहा होगा। सो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द पॉलिटिकल पार्टी, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द सीट वन, सो दैट इज द नंबर, एंड हियर हियर वी हैव आइटम्स ऑफ विच वी आर डिस्कसिंग। So this was discussed in the last class. Now we move on to the next
बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम नेक्स्ट इसके टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से हम अपने स्टूडेंट को बता दें जो थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, क्लास 9th चैनल नंबर 9 पर आप देख ही रहे हैं, मैथमेटिक्स हमारा आज का विषय है और बीना मैम, बीना प्रकाश मैम हमें बता रही हैं, कैंपन स्कूल भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं, सीनियर PGT मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक पार्ट 2। और पार्ट 1 में क्या क्या हमने गो थ्रू किया वो मैम ने हमें बताया, और अब हम पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ बीना मैम, ओवर टू यू, और एक हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ा सा आप तेज बोले ताकि हमारे जितने बच्चों तक आप सुन पा रही हैं, देख पा रही हैं, वो और ज्यादा क्लैरिटी और स्पष्टता के साथ आप जो समझा रही हैं वो समझ सकें। ओके जी। नाउ नेक्स्ट वन इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है? इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार ग्राफ, ठीक है, बट इसमें थोड़ा एक छोटा सा डिफरेंस है। आर माय ऑडिबल क्लियर? योर वॉइस क्लियर होगी? यस मैम। Absolutely. The histogram is a graphical representation of quantitative data. That is a chart that plots the distribution of numeric values, of variables value as the series of rectangular bars. Width of each bar covers the range of the numeric values. अब आप जस्ट देखिए ये क्वेश्चन है। The information that we have is, this is डेटा गिवन, ये आपके पास एक डेटा है। ये डेटा से आपको क्या समझ में आ रहा है कि वी हैव मार्क्स आउट ऑफ 100, 0 से लेके 100 तक का मार्किंग है अपने पास, एंड उसको हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है, 0 से 10, 10 से 20। सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देन इज इक्वली डिवाइडेड, द इंटरवल्स आर इक्वली डिवाइडेड। आपको ये इंटरवल्स इक्वल डिवीजन दिख रहा है कि नहीं? एंड देन करेस्पोंडिंग टू दैट, 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स है? 5। 10 टू 20 कितने बच्चों के मार्क्स है? दैट इज 10। सो दे रिप्रेजेंट दिस, एक्चुअली दिस नंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी। कैन यू रीड इट? इट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो दैट इज वन क्वांटिटी। दूसरा वाला दैट इज रेंज, मार्क्स जो है दैट इज रेंज, दैट इज 0 से 10, 10 से 20, दिस आर द रेंजेस। हमने इक्वली डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। Marks out of 100 has been divided into different parts so that we can understand ki bachchon ka performance kaisa hai. Isko dekhe thoda samajh mein aata hai. Now look at this. What we have done is we have converted this information into a rectangle. Rectangle should have a width and a length. Now the length jo part hai, this is known as the length part. This is the length part. This corresponds to the frequency. That is what we have on the y-axis. Ye y-axis mein jo information hai, that is the frequency, that is number of students. And x-axis mein kya hai? The marks distribution. X-axis mein it is marks. So the range is, it's from 0 to 100. Usko humne different parts mein divide kar diya. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, and so on up to 100. Now, what is the length of the first rectangle? Is rectangle ka length kya hai? It is this quantity. Aapko read kar pa rahe ki this is 1. Y-axis mein units 1, 2, 3, 4, 5. This is 5. And on x-axis, it is divided into 10, 20, 40. Fine? So, y-axis ka 5 ka reading matlab, there are 5 students who have got between 0 to 10. That is 0 ke 9, 10 ke beech mein 5 bachchon ko mila hai. Likewise, the next information is 10 to 20. 10 to 20 kitne bachchon ka hai? 10 bachchon ka hai. Just see, the length of that rectangle has changed. This is the second rectangle. Iska length change ho gaya. It is now 10 units. This cabinet, it is 9 and that is 10. So the length of the second rectangle is 10 units. And the width is same, 10 to 20 means 10 units. This way, we have different rectangles representing the marks that have been received in different ranges. ठीक है? तो इसको भी देख के बच्चे समझ पाएंगे, कोई भी, anybody who wants to interpret the result, आपको कोई result को interpret करना है, इस figure को देख के clear picture मिल रहा है. So what is that we find? We find that sufficient number, that is 9 to 10, 90 to 100 ke beech mein, we have this many students. That's a good number, 90 to 100 beech. But at the same time, 10 to 20 ke beech mein bhi same number dikh raha hai. That means, agar hum path
पासिंग मार्क या पेंटिंग मार्क देखेंगे तो यू कैन डिस्कस आफ्टर सीइंग दिस पिक्चर. सो दिस इज हाउ अ हिस्टोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड. तो हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने का ये है कि यू हैव टू मेक रेक्टेंगल्स एंड रेक्टेंगल्स शुड बी इन सच ए वे दैट इट करेस्पॉन्ड्स टू द कंटिन्यूअस इंटरवल्स 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30. So that there is no gap between the two rectangles. Aapne yahan dekha rectangles are all attached. So this is the information that is to make a histogram you require width, equal width, and then they can vary, but they should be one after the other. Fine. This is one information. Fine. Now next one is next question. Let me take up the next question. So histogram we have. Is a graphical representation of a grouped frequency distribution with continuous classes. With continuous classes, width of each rectangles are equal, hence the lengths are proportional to the corresponding frequencies. Fine. Now look at this information. This is the information regarding the number of lamps that has been lighted for so many hours. Like first one. ये जो ग्रुप है दैट इज द लाइफ आवर्स द लाइफ टाइम ऑफ ईच लैम्प्स हैज बीन टेकन अप 300 टू 400 आवर्स 14 लैम्प्स जलते हैं 400 टू 500 आवर्स 56 लैम्प्स आते हैं. एक ही कंपनी के लैम्प का हम थोड़ा एनालिसिस करके देखते हैं. तो 500 टू 600 60 एंड सो ऑन. दिस इज द डेटा गिवन. अप नाउ वी हैव टू मार्क दिस ऑन द ग्राफ. नाउ ग्राफ में क्या है, वी ऑलवेज हैव एक्स एक्सिस. This is the x-axis that we have. That's the x-axis we have. This is x-axis. And this vertical line stands for y-axis. Isn't it? The vertical is y-axis. And point where they intersect is known as origin. So obviously, all reading starts from 0 onwards. For vertical as well as horizontal. Ab humara jo information hai, that starts from 300. So how do we handle this? That is handled by rewriting the unit divisions. Like यहाँ पे हमने क्या किया है कि x axis में divisions को हमने per division को हमने 100 units माना है. That is 100 hours चलता है. And y axis में you have it as a numbers in terms of 10, 20. क्योंकि जो data दिया है it is in two digit. तो आप अगर 1, 2, 3 अगर लेंगे तो what happens is to cover up to that yahan to highest jo dikh raha hai 86 dikh raha hai, to have 86 in that graph 86 divisions nahi aa pate. So the only alternative is to reduce that or rewrite that divisions. So I have divided the divisions as per the need of this question. So ye ek information aapko chahiye tha. So that way we find that it starts from 300. Agar 100 se start hua to we have the division and 300 starts from here. And 300 ka corresponding 14 values hai, that frequency is 14, so we have this as 14. So that's the rectangle that we have. 400 to 500, it is the second rectangle. 500 to 600, it's the third rectangle. And so on, we construct different rectangles. So is this clear with different length that we have? It is ye jo width of each rectangle is now 100 hours. This is 100 hours. And length, it's marked this is division by taking it, it is 14 division, that is 14 lamps they work with for 300 to 400 hours. Fine. अब एक यहाँ पे लिखा था ना continuous for corresponding frequencies, continuous रहता है. Assume करिए we have one data. यहाँ पे एक data ऐसा है कि we have suppose instead of this number we have 0. This number we have 0. That is, none of the bulbs or lamps work for 700 to 800 hours. Clear? None of the lamps work for 700 to 800. एक भी ऐसा lamp नहीं है जो 700 से 800 के hours का काम किया है. So what we have, ये जो 74 है, 74 is this length will come down, it will be on this, it will be marked here. This will not exist. So that doesn't mean ki continuous. It is continuous. Ek ke baad ek dal hai, but here the length is 0. That's the only thing we have. ठीक है? Is this clear? सुजन ऐसा लग रहा है कि बच्चों को समझ में आ रहा होगा. बिल्कुल मैम.
हमारे स्टूडेंट्स को आप इतने अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन कर रही हैं, बिल्कुल उनको समझ में आ रहा होगा। और क्योंकि स्टूडेंट तो मैथ्स, मेरी थोड़ी कम दोस्ती है मैथ्स से, लेकिन मुझे भी समझ में आ रहा है, तो मुझे पूरी, मैं चाहती हूँ कि मैं जब बताऊँगी तो हर बच्चा समझे, तो सब हर बच्चा मैथ्स से दोस्ती करे, बिल्कुल वो होनी भी चाहिए। बिल्कुल मैम, एक्सप्रेशन का डेटा देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट मेजर्ड करेक्ट टू 1 लीफ, दैट इज वी आर जस्ट फाइंडिंग द, हम लेंथ निकाल रहे हैं हर पत्तियों का, ठीक है। अब इसमें पता चला है वी हैव टेकन अप 40 लीव्स, कोई पेड़ का 40 लीव्स निकाले हैं और उसी पेड़ के 40 लीव्स का लेंथ हम देख रहे हैं, तो हमें पता चला है कि वो जो लेंथ है इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर से भी छोटा यूनिट मिलीमीटर्स, so we find that the length of that is somewhere around 118 to 126, that is sabse chhota jo patti hai uska length hai 118 millimeter, agar wo 118 millimeter hai it is in centimeters 11.8 centimeters, fine, it is 11.8 centimeters and that is lower, sabse chhota patti ka length 11.8 hai, sabse bada is somewhere around 180, that is 18 centimeters. So, हमारे पास 7 centimeters है cover करने के लिए, which has been written in the form of millimeter because decimal में लिया है। तो three places of digit size में, तो उसको handle करना है बाद में histogram बनाने के लिए। तो अब what is to be taken? Now next क्या दिख रहा है आपको? एक दूसरा observation दिख रहा है, ये है कि the intervals that is given is not continuous. देखिए, it is 118 to 126. The next length starts from 127 to 135. Getting it? 135 से 136. So what we find, it is not continuous. It is not continuous. ये एक important information है हमारा हिस्टोग्राम बनाने के लिए, इट हैज टू बी कंटिन्यूस, इसको अपने को कंटिन्यूस बनाना है। सो हाउ इज दिस मेड कंटिन्यूस, इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए व्हाट वी डू इज, ये जो टेबल है इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ये जो फर्स्ट लेंथ है इसको बच्चों समझो अच्छे से, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, 118 and 126. So what we do is, इसको extend करेंगे both the sides. Getting it? इसको हम extend करेंगे both the sides. That is, we will now have the first interval as 1, 1, that is just 0.5 to make it continuous. What we do is 1, 1, 7. 0.5 is the first part, that is smallest part. This is to 126.5. Getting it? Exactly the same thing is happening for the second. 127 hai, 135 hai. So we take extend, that is isko stretch karenge is taraf and both the sides by 0.5. 0.5 से स्ट्रेच इधर करेंगे, 0.5 से स्ट्रेच इधर करेंगे. सो व्हेन इट स्ट्रेचेस टू 0.5 ऑन द अदर साइड, व्हाट वी गेट, दिस बिकम्स 135.5 एंड वहां हो जाएगा 126.5. गेटिंग इट? फिर से बताऊं मैं? बिल्कुल मैम, बच्चों की क्लैरिटी के लिए एक बार और. दिस इज हमने बोथ साइड, एज यू कैन सी हियर, बोथ साइड हम 0.5 से एक्सटेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे. तो ये एक्सटेंड लेफ्ट साइड में 0.5 कम कर देंगे, तो व्हाट विल दैट कम आउट बी, 117.5. राइट साइड का लिमिट क्या हो जाएगा, 126.5. सो दिस इज फ्रॉम 117.5 टू 126.5. फाइन? यस. Yes, ma'am. Now the next limit, 127 है, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, it becomes 126.5. राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो it becomes 135.5. Now see the ends. ये 126.5 तक के लेंथ को हम इस इंटरवल में लेंगे, तो 126.5 is the starting point here.
Now next वाला क्या हो जाएगा? This will be 144.5. On the left side it will be 136 to the 135.5. So see end points continuous हो गए. So this is how we make this interval. That is, this interval has to be made continuous. So we construct now a new table which will make it continuous. So that's how we get it. And accordingly we now mark the points on the x-axis. Now again, यहाँ पे देखिए, as I said, सबसे lowest, छठे सबसे छोटा वाला पत्ती का length जो था 117.5 था. तो if I start marking on the number line, that is 10 divisions, हमारे पास broader divisions हैं, ये clear कर लो, 10 divisions जो हमारे पास है, उसको अगर मैंने 100 mark किया, तो first 10 division will be 100, ठीक है, from the 0 onward, from 0, this is 0 of the x-axis, that is 0 of the y-axis, so that is 0, 0. तो इसको मैंने 100 mark किया, the next number that we have is 110. 110 के बाद next number 120 आएगा. Then you have 130. But जो data दिया है, it is slightly not following this data. So accordingly we manage. कैसे manage करेंगे? What we do is, we assume that it starts from 0. It starts from 0. So 0 से लेके जो point जो हमको जरूरत है, the point that is required, that is 117. We have shifted, ये जो length x-axis का जो length 0 तक चल रहा था, 100, उसको shift कर रहे हैं. So we just break it and bring it to this point. So ये जो representation है, this is known as a kink. That is, हमने काट के join कर दिया. Join करके जो हमें जरूरत है, वहाँ से हम start करेंगे. And we have seen that equal length है. देखिए सबका length equal है. देखिए plus 9, that is width of each is 999. उसमें कोई problem नहीं है. So we have the equal width. The only thing is starting point जो है थोड़ा सा 0 से दूर है. So we bring the x-axis to the nearer to, that is cut करके break करके हमने overlap किया है. So this reading, that is x-axis, now starts from 117.5. The next division is 100. So this is now each starts from this. तो क्या हो गया अपना 117.5, 126.5 and so on. And now for the number of leaves are maximum 112 दिख रहा है, the rest or single digit है. तो हम y-axis में 1, 2, 3 का division use कर सकते हैं. And accordingly we construct this rectangle. Is that clear? So this is the second, this is one type of question with where we have seen that the intervals are not continuous. So सबसे पहले histogram बनाने के लिए we need to have intervals continuous. Fine. Now we move to the next situation. यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक question है कि teacher wanted to analyze the performance of two sections of students in maths test out of 100. Looking at the performance, she found that few students got 20 marks and few got 70 marks and above. Under 20 and few got 70. The rest she managed, that is she then decided, उन्होंने decide किया, teacher ने decide किया, marks देख के कि 0 से 20 एक group बनाते हैं, then 20 to 30, 30 to 40, 60 to 70 तक and 70 to 100 तक. इस तरह के उन्होंने group बनाया. So what is observed in this group? कि पहला जो group का range है, 0 से 20 है. 0 से 20 तक है. Marks, ठीक है? Now, next mark this है, 20 to 30 is the range. So now see, what is the range? That is 0 to 20 means 20 is the range. 0 to 30, 20 to 30 means 10 is the range. Or how is the histogram graph defined? Ki it should have uniform width. So agar humne rectangle banaya, to ye maine textbook ka hi copy kiya. Dekhe, iske corresponding rectangle banaya, to you find that ye jo rectangle hai, iska width different from the rectangle that you see baat ka jo rectangles in it. And this is another rectangle which has a very different width. So, ye bhi nahi hona chahiye. So, this also should not happen. So, all rectangles that we are going to construct should have equal width. So, wo equalize karna kaisa hai, wo hai, that is what we have to see. So, kaise equalize karengi?
तो दिस इज हाउ वी मेक इट, दैट इज 0 टू 20 इज द फर्स्ट क्लास इंटरवल, 0 टू 20. इसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी इज 7, दैट मीन्स 7 बच्चों को मिले हैं 20 बिलो, फाइन, एंड 20 टू 30 के बीच में 10 स्टूडेंट्स हैव गॉट. सो विड्थ ऑफ द फर्स्ट क्लास क्या हुआ 20, विड्थ ऑफ द सेकेंड क्लास इज 10. तो अगर हमने विड्थ को एनालाइज किया, ईच विड्थ को एनालाइज किया, वी फाइंड दैट the widths of each classes are some 20, 20, 10, 10, 10 and then 30. So can we use a number which can manage to have the whole thing, that is sare ko control kar sakte hai, that is known as the HCF. So aap in sare numbers 10, 20 and 30 ka HCF nikalni. What is that? 10. So now we are converting each range into 10. और हर रेंज को 10 में कन्वर्ट भी करना है मैम. साथ ही साथ हमारे पास वक्त की भी थोड़ी कमी है, तो मैं चाहूंगी कि इसको जल्दी से हम इसको रैप अप कर पाएं. जी, सो देखो 7 इज आउट ऑफ 20 रेंज, तो 7 10 रेंज में क्या हो जाएगा 3.5. सो ईच को नाउ यू आर कन्वर्टिंग इनटू 10, सो 10 आउट ऑफ 10 है रेंज इज 10 एंड दैट वे वी गेट द न्यू फ्रीक्वेंसीज, दैट इज द लेंथ. सो व्हिच नाउ चेंजेस टू दिस फॉर्म, That is, हमने उसका चेंज ही कर दिया लेंथ, इसका लेंथ ये चेंज हो जाएगा. और मैंने ये अलग अलग कलर्स इसलिए दिखाए हैं कि दो दे हैव द सेम लेंथ, दे डोंट रिप्रेजेंट द सेम रीजन, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग कलर्स से बताया है. सो वी हैव नाउ मैनेज टू हैव दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म रेंज. सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट इज इट शुड बी कंटीन्यूअस, सेकंड शुड बी यूनिफॉर्म रेंज होना चाहिए, मार्क क्लास मार्क का लेंथ जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, फाइन. एंड द लास्ट रिप्रेजेंटेशन ये मैं मैम माफ कीजिएगा, पॉलीगन, जस्ट अ पॉलीगन, लास्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. मैम माफ कीजिएगा, समय की कमी है, हम इसको नहीं ले पाएंगे. रियली एक्सट्रीमली अपोलोजाइज मैम. एक नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंप्लीट करेंगे. अभी के लिए माफ़ी भी चाहूँगी और आपका बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना डिटेल एक्सप्लेन किया हमारे बच्चों को ये टॉपिक. और इसी के साथ आइए जल्दी से हम हमारे जो आगे के जो कार्यक्रम है लाइव उस पर एक शेड्यूल पे एक नज़र मार लेते हैं. 2 बजे से प्रातःकाल हम जो शुरुआत करते हैं वो है योग के कार्यक्रम से. हम शुरुआत करते हैं योग शक्ति का कार्यक्रम, और उसके बाद 8 से 8:45 के इस कार्यक्रम के बाद हम 2 बजे से हमारे लाइव अलग अलग स्टार्ट होते हैं, अलग अलग विषय पर, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे. और इसके साथ हमारे जो स्पेशल लाइव भी हैं वो भी चलते रहते हैं. इसके तुरंत बाद आप क्लास 9th का ही पोलिटिकल साइंस जो है हमारा सब्जेक्ट, इसमें टॉपिक है इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, आप वो देख सकते हैं डिटेल में. स्टूडेंट को बताएंगे और समझाएंगे. इसके साथ ही लगातार हमारे लाइव चल रहे हैं. शाम को 5 बजे हमारा जो स्पेशल कार्यक्रम है सहयोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक इनिशिएटिव से है. और उसके बाद 5:30 बजे नीपा का हमारा एक और विशेष कार्यक्रम है. हमारे लाइव अलग अलग चैनल्स पर आप देखते रहिए. और जहाँ तक हमारे शाम के 5 बजे के सहयोग सेशन की, इस प्रातःकाल के योग शक्ति और 5:30 बजे, चूँकि आज फ्राइडे है, नीपा कार्यक्रम की हम आपको बात बताएं, तो ये आप हमारे सभी चैनल्स में, चैनल नंबर 6 to 12, ई विद्या के चैनल नंबर 6 to 12 पर आप देख सकते हैं. तो आप हमें ट्यून करते रहिए, अब इन्फॉर्मेशन अपनी लेते रहिए कार्यक्रम से जुड़ी हुई. और इसी के साथ अभी के लिए इस सेशन में इतना ही. नमस्कार.